हेलो हाय फ्रेंड्स, लक्ष्य डिस्ट्रिक्ट सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ सबसे बेहतर टॉपिक जो आपको काफ़ी मज़ा आएगा और कुछ अच्छी चीज़ को सीखेंगे। और ये आज का टॉपिक ये है कि आप आसानी से अंग्रेज़ी कैसे बोल सकते हैं, अंग्रेज़ी बोलने के लिए हमें क्या सब चाहिए। आज मैं उन सभी चीज़ों के बारे में बताऊँगा, लंबे लंबे वाक्य कैसे बनाते हैं, मैं उन सभी वाक्यों पर फोकस करूँगा जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें ताकि नई नई वीडियो आपको आसानी से मिल सके। चलिए कैसे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप किसी सेंटेंस को बनाना चाहते हैं तो उन सेंटेंसों को आपको देखना पड़ेगा कि मेरा सब्जेक्ट कौन सा है, मेरा हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब क्या है और अदर वर्ड क्या है। अब इन सभी की जानकारी होना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर ये चीज़ आप जान चुके हैं तो उसके बाद आपको स्ट्रक्चर जो है आपका, पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर आपका वर्ब आएगा, फिर आपका अदर वर्ड आएगा। अगर सेंटेंस निगेटिव हो तो निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि आपको सब्जेक्ट लेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लेंगे, फिर नोट लेंगे, फिर वीवर लेंगे, फिर अदर वर्ड लेंगे। तो चलिए एक सेंटेंस आपको हम बनाकर दिखाते हैं कि सेंटेंस कैसे बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस मैं लेता हूँ, वो सेंटेंस है आपका मैं खाता हूँ। ये आपका सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट इनडेफिनिट में है। सबसे पहले आपको समझ में ये आएगा कि ये प्रेजेंट इनडेफिनिट कैसे हुआ, सेंटेंस कैसे मानेंगे प्रेजेंट है। तो उसके लिए आपको ये देखेंगे, अंत में आप देखिए, अंत में क्या है, ता है, हैं लगा है, तो ये प्रेजेंट में है। अब इनडेफिनिट क्यों है, क्योंकि इसमें मैं पढ़ता हूँ, यानी ये आपकी आदत का बोध कराता है, आप रेगुलर पढ़ते हो, ता लगा है और किसी वाक्य अंत में ता है, ती है, ते है रहता है, वो प्रेजेंट कहलाता है। तो सबसे पहले सेंटेंस को पढ़िए, मैं पढ़ता हूँ। इसका सब्जेक्ट में क्या लेंगे आप, आई लेंगे, उसके बाद क्या लेंगे आप, वर्ब लेंगे, तो वर्ब हुआ मेरा रीड, तो आई रीड। अब समझ चुके हैं ये चीज़, आई रीड, यानी आई मेरा सब्जेक्ट है और रीड मेरा वर्ब है। तो सबसे पहले आपको समझने के लिए इन बातों पर जरूर ध्यान रखना बड़ा जरूरी होता है। तो अगला सेंटेंस लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस मेरा क्या है, मैं नहीं खाता हूँ, इसमें है मैं नहीं खाता हूँ। अगर मैं नहीं खाता हूँ ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसको सेंटेंस बनाने के लिए आप क्या लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, तो आई हुआ, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लेंगे, वो डू होएगा, तो आई डू नॉट ईट। इसको दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं, और सिंपल बोल चाल भाषा में बोलते हैं आई डोंट ईट, ये भी आप बोल सकते हैं। इस प्रकार आप सेंटेंस को बना सकते हैं। थैंक यू।